क्यों नहीं? हमारे इरादे मजबूत नहीं है। 370 धारा की रोज बात होती है, क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई सवाल उठाने वाला है कि 370 धारा हट जानी चाहिए? कोई नहीं। पॉलिटिक्स, हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। अगर अफजल को फांसी होती है, कथाब को फांसी होती है, मेहमन को फांसी होती है, एमएस बिट्टा के ऊपर बम चलाने वाले बुल्लर को फांसी होती है, किसी का सिख वोट टूट जाएगा, किसी का मुसलमान वोट टूट जाएगा, भारत मां चाहे टूट जाए, इन नेताओं का वोट टूट जाएगा। आपको पता है मेरे पे बम चलाने वाले का वकील कौन था? कपिल सिब्बल हिंदुस्तान का इतना बड़ा वकील, हिंदुस्तान की सरकार का रहा मंत्री, जिसको करोड़ों रुपया फॉरेन से फंडिंग आती थी, करोड़ों रुपया। उस आतंकवादी का केस लड़ा, फिर एक और वकील आया जिसका नाम था के एस तुलसी, उसने आतंकवादी को फांसी से बचा दिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दे दिया। और उसके बाद केजरीवाल आया, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बार केजरीवाल आया, उसको दिल्ली से पंजाब जेल में शिफ्ट कर दिया, जेल से अस्पताल एयर कंडीशन कमरे में, वहां की सरकार ने प्रोल पे छोड़ दिया। भैया मैं खुद ही हार गया, मैं दूसरों की लड़ाई क्या लड़ूंगा? हिंदुस्तान की तस्वीर, ये सालवे वकील 2 रुपए लिए और कुलभूषण यादव का केस लड़ा, सलूट करता हूं। ये वकील कभी टेलीविजन के अंदर आते हैं कहते हैं हमारा तो ये पेशा है, आतंकवादी हो कोई हो, हमारा तो पेशा है, हम तो कहेंगे इसने बम नहीं चलाया था बिट्टे के ऊपर, अफजल ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं किया था, कथाब ने गोलियां नहीं चलाई थी। मैंने कहा आपका अगर पेशा है आतंकवादियों के बहनों के सुहाग उजाड़ने वाले के, मातृभूमि के टुकड़े टुकड़े करने वालों के लिए पैसे की खातर केस लड़ना, तो मेरा यह कर्तव्य है मातृभूमि के लिए बार बार बम खाना, गोलियां खाना और मातृभूमि की आजादी की रक्षा करना, यह मेरा कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है पैसे कमाना आतंकवादियों के लिए, मेरा कर्तव्य है मातृभूमि के लिए बार बार बम खाना। काहे की किताबें, काहे का कानून, ये जितने भी लोग हैं ये बड़े बड़े विद्वान समझते हैं अपने आप को, पढ़ लिख करके किताबें पढ़ के ये वकील और हिंदुस्तान के कई ऐसे पॉलिटिशियन, इनको सबको याद है। आज हम स्टेट के मंत्री बने हैं, अगले 5 साल में सेंटर के मंत्री बनेंगे, फिर हम होम मिनिस्टर बनेंगे, पर इनको एक चीज याद नहीं है, ये भगवान से पता लिखा के आए हैं। हमारी उम्र 200 साल है, मेरे से अगर पूछो तुम क्या सोचते हो, मैं इतनी बार मौत को करीब से देख करके 35-35 जवान मेरे साथ शहीद हो गए, मैं उसमें कई बार बचा, मेरे से अगर पूछो तुम्हारे विचार क्या है, मैं एक ही बात कहता हूं, नंबर एक भगवान, और भगवान के आगे ये चरणों में प्रार्थना, मेरी मातृभूमि मजबूत रहे, मेरी बहनों के सुहाग ना उजड़े, हमारे जवान शहीद ना हो। दूसरा, मेरी भारत मां मजबूत रहे, सुरक्षित रहे। तीसरा, बोनस की जिंदगी है, मौत तो एक दिन आनी है, मुझे क्या पता कल आनी है या 20 दिन बाद आनी है, फिर किस चीज की लंबी रेस में चले फिरते हैं। सबसे बड़ी जो मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, उसका शुक्रगुजार करता हूं, तुमने एक चीज मेरे जोड़ी में दी है, वो है जो मुझे हमेशा मौत याद रहती है, हमेशा मौत याद रहती है, मुझे कुर्सी सत्ता का लालच नहीं रहता है। जिस दिन हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को, हर हिंदुस्तान के उस बड़े वकील को ये जाएगा आज नहीं तो कल जाना है, मैं समझता हूं वो मातृभूमि के साथ, इन शहीद परिवारों के साथ, ऐसे वकील कभी पाप नहीं करेंगे। सब कुछ पढ़ लिख लिया पर मौत याद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत लंबी लड़ाई है, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, बम्बों गोलियों से कब जाएंगे हमें मालूम नहीं। हमारे कवि साहब
बहादुर कवि आपको जगाते रहेंगे। आज भी कहीं सुबह भाषण में कहीं कह रहा था, हमें कभी कुर्सी सत्ता की तरफ केजरीवाल की तरह नहीं देखोगे। हां, हमें अगर कश्मीर दे दे, हमें अगर डिफेंस का कोई काम दे दे तो जवानों के लिए कुछ करेंगे, नहीं तो हमारी, जब भी आप कभी देखोगे हमारी बची हुई जिंदगी बम्बों गोलियों से, आपको हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में पाओगे, कभी कुर्सी सत्ता में केजरीवाल की तरह हमें नहीं।